भक्ति रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ ही ना देगी, आ मेरे बाबा के दर पे। उधर पीतल ही पीतल है, इधर सोना ही सोना है। बड़े श्रद्धा और भाव के साथ एक बार बाबा भैया की जयकार बोले, जो बड़े दिल और भाव के साथ मनाते हैं। जैसे उन बच्चों को जिन्होंने 31-31 हजार रुपए बाबा के दरबार में दिया, मैं तो बाबा भैया से निवेदन करता हूं कि बाबा ये जितने युवा साथी बैठे हैं, जितने ये पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, जितने पढ़ने वाली जो है हमारे इस गांव से बहन बेटी बैठी हैं, उन सबकी मनोकामना पूर्ण करना और कहना क्या कि महिमा थारी सुन के आया। हो बाबा भैया जी महाराज जी, मैं तो बेवड़ से चल के आया हूँ, यहाँ पे तो लोग बड़े दूर दूर से चल के आए हैं और बहुत देर से कह रहे हैं कि कौशिक जी सुना दो। लेकिन एक बड़े सबसे विशेष बात बता रहा हूं कि जो ये सुदामा का चरित्र था, मैं कह रहा हूं कि सुदामा इतना स्वाभिमानी था। यहाँ पे बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, सुदामा ने कभी भी मांगा नहीं। और सुनने की बात आपको बताता हूं कि भगवान कृष्ण ने खुद अपनी मित्रता का हाथ सुदामा से बढ़ाया था, जबकि सुदामा ने तो कहा था कि मेरी तेरी औकात में बड़ा फर्क है, फिर मैं तेरा मित्र कैसे। लेकिन आज इन झांकी वालों ने उस एक स्वाभिमानी सुदामा को एक ऐसा भिखारी बना के रख दिया, बड़ी शर्म की बात होती है। चलो जो भी होता है प्रभु के दरबार में अच्छा होता है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली भक्तों भगवान की जय हो, बोली बाबा भैया की जय हो। महिमा थारी सुन के आया, हो बाबा भैया जी महाराज, हो बाबा भैया जी महाराज महारे, हो पूर्ण करियो काज, हो पूर्ण करियो काज, महिमा थारी महिमा थारी महिमा थारी सुन के आया। सुधराना और मैं तो बेवड़ से चल के आया हूं, कहना है क्या कि मैं बड़ी दूर ते आया, वो तेरा सच्चा धाम बताया। मैं बड़ी दूर ते आया, तेरा सच्चा धाम बताया, मैं बड़ी दूर ते आया, तेरा सच्चा धाम बताया।
थे 31,000 रुपए बोल रहे थे कि अपनी पहली कमाई में से। ये भक्त दिल से बता रहा हूं कि वो दिल से बाबा को मानेगा। मेरे गांव में बाबा समाध वाले हैं, मेरा गांव का एक एक बच्चा वहां दीपक जलाने जाता है, जिसने दिल से दीपक जलाया है। रियल में जिसने एयरफोर्स मंगा था, एयरफोर्स नेवी की कहा तो नेवी, और जिसको डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर बना। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आपके पास भी। और कैसे क्या कहा कि तू भरता सबकी झोली भक्ता की आवे तेरी। एक बार ये तो बाबा भैया का भजन है, दोनों हाथ उठा के एक बार जो तो बाबा भैया को दिल से मानते हैं वो मना लिया करो। और मेरी ताली बजा के सुनो मेरी भी आवाज, थोड़ी सुन के रियल बता रहा हूं, 6 दिन से इतनी तबीयत खराब थी। मैंने तो आते ही बस हाथ जोड़े बाबा के दरबार में गया। मेरे गांव में प्रोग्राम था बेवल में बाबा समाध वाले का, उस दिन का दिन है। बाबा के दरबार में खड़ा होकर कहता हूं कि 6 दिन से पता नहीं क्या इन्फेक्शन हुआ भाई साहब। स्टेज पे सच्चाई माना, 6 दिन से अन्न का टुकड़ा नहीं खाया है, ऐसा इन्फेक्शन हुआ। लेकिन बाबा से तो मैंने एक ही निवेदन किया था कि बाबा आज गवाह अच्छा देना बस टीम के साथ, बस इतनी कृपा करना। और आज ऐसी कृपा इसकी है कि आपके बीच में खड़ा होकर गा भी रहा हूं, नहीं तो 6 दिन से अन जाने का ही काम नहीं, ऐसा इन्फेक्शन था। बोल बाबा भैया की जय हो। अरे कौशिक ने अर्ज लगाई सब नाच लोग लुभाई, कौशिक ने अर्ज लगाई सब